और आइए अब आपको ले चलते हैं सालों से अपने स्वाद की पहचान बनाए रखने वाले मैसूर कैफे की सैर पर, जहां न सिर्फ खाना परोसा जाता है बल्कि प्यार भी बढ़ता है और काफी एंजॉय किया जाता है यहाँ का एटमॉस्फेयर। ये है मैसूर कैफे, जो आजादी के पहले से ही यानी सन 1942 से ही अपने स्वाद के लिए अब तक बरकरार रखे हुए है, जहां पूरे घरेलू माहौल में परोसा जाता है खाना और रखा जाता है साफ सफाई का काफी ख्याल। आप खुद यहां के किचन में जाकर साफ सफाई का जायजा ले सकते हैं, मगर शर्त है कि आपको अपने जूते या चप्पल बाहर ही उतारने पड़ेंगे। माटुंगा में माहेश्वरी उद्यान के पास स्थित इस रेस्टोरेंट को मुंबई में सबसे पुराने उडीपी रेस्टोरेंट होने का गौरव प्राप्त है। इसे शुरू किया था राम नायक ने, जिनका परिवार अब तक इस कैफे को चला रहा है। किंग सर्कल में रेस्टोरेंट है, काफी जूना है, 1940 के पहले ये रेस्टोरेंट इधर था। उस जमाने में मैसूर कैफे का ब्रांड नेम था, उसके लिए ब्रांड नेम चलाया, लेकिन बाद में जितने भी होटल चालू हो गया वो मेरे पिताजी ने उड़पी होटल रख के उड़पी ब्रांड नेम चालू किया। ये है यहाँ का स्पेशल डोसा, देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। भीड़ कितनी भी हो मगर आपको यहाँ आपका ऑर्डर बिना देरी के मिल जाता है। अब रेस्टोरेंट के नाम में है कैफे, तो यहाँ की कॉफी का पूछना ही क्या। From school days I was coming here, not regularly. In school days I was not coming regularly, but sometimes I used to come. But after joining service, I used to come regularly. And I say weekly twice, weekly thrice, I used to come here. And I take my food, take my meals, etc. Nowadays I am coming regularly here. यहाँ सिर्फ खाना ही नहीं, प्यार भी बांटते हैं। उडीपी के शौकीनों की तो भीड़ यहाँ रहती ही है, साथ ही स्वाद के और भी दीवानों को ये कैफे अपनी ओर खींच लेता है। प्रज्ञा के साथ न्यूज डेस्क TV9 मुंबई।